दोस्तों, नए साल के पहले लिव लाइफ मोर शो में मैं पल्लवी जस्सल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। परमात्मा से हम दुआ करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए खुशियाँ, स्मृति और अच्छी सेहत लाए। 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर दोस्तों हमारी आपसे इस साल भी मुलाकात होगी हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। और आप जानते हैं कि ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। दोस्तों, कैंसर का जिक्र आता है तो मन में एक सहरन सी उठती है, डर लगता है। और खास तौर पर अगर हम बात करें हमारी हड्डियों के कैंसर्स की, तो ये डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज हमारे बीच दोस्तों ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी के बारे में, जी हाँ, हड्डियों से जुड़े कैंसर्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आज हमारे शो के जरिए हमने कोशिश की है कि आज हम आपको मिलवाएं एक ऐसे विशेषज्ञ से और जानें उनकी स्पेशलिटी के बारे में, जिससे कि अगर किसी को बोन्स का कैंसर है तो उसके इलाज करने में आपको मदद मिल सके। तो आइए दोस्तों हम मिलकर स्वागत करें डॉक्टर रजत गुप्ता का, जो एक वेल नोन ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हेलो पल्लवी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब भी हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो कुछ आम कैंसर्स के बारे में जिनके बारे में हम जानते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है या फिर थायराइड कैंसर है। इस तरह के कैंसर्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपकी जो स्पेशलिटी है ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे श्रोता हैं शायद जिन्होंने पहली बार इस बारे में सुना है। तो मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में क्या क्या किया जाता है और ये कैसे मरीजों की सहायता के लिए एक न्यूली डेवलप ब्रांच है। पल्लवी जी, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, जैसा कि आपको पता देखते हैं कि दो शब्दों से बना है, ऑर्थोपेडिक और ऑन्कोलॉजी। इसका मतलब है कि हमें ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है हड्डी और ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर्स। सो हम हड्डी और उससे जुड़े कैंसर्स के बारे में जो ब्रांच बनी है उसे हम ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स की। इसमें हम हड्डी के कैंसर के बारे में देखते हैं या फिर हड्डी से बाहर, जैसे कि कोई मांसपेशी हो, कोई फैट हो, कोई नर्व हो, कोई ब्लड वेसल हो, उसके कैंसर्स के बारे में भी ये जो ब्रांच है उसको केटर करती है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, वो फैल के हड्डियों में चला जाता है, तो उसके लिए भी जो विशेषज्ञ होते हैं वो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसके बारे में आपको ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी बोन कैंसर के बारे में हम सुने तो हमारे जहन में ये पिक्चर बनती है कि अगर किसी बोन में कैंसर हो गया है तो उस बोन को शरीर से अलग करना पड़ता है, एम्प्यूटेट करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप एक स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, तो आप हमें बताएं कि क्या जब बोन में कैंसर होता है तो एम्प्यूटेशन करना ज़रूरी होता है या कुछ ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिससे कि हम एक मरीज़ के एक ऑर्गन को बचा सकते हैं? पल्लवी जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आम जनता में या काफ़ी इवन जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं उनके मन में भी यही धारणा है कि अगर किसी को हड्डी का कैंसर हो जाए तो उसका एकमात्र इलाज यही है कि उसका अंग काटना पड़ेगा। अगर किसी को टांग की हड्डी में कैंसर है तो उसकी टांग काटनी पड़ेगी, या किसी को हाथ की हड्डी में कैंसर, उसका हाथ काटना पड़ेगा, जो कि आज के समय में, आज की तकनीक में बहुत बिल्कुल गलत है। आज की डेट में अगर किसी को भी हड्डी का कैंसर होता है तो मेजॉरिटी ऑफ दोज पेशेंट्स को हम बिना हाथ या बिना पैर काटे उसका, सिर्फ उतनी हड्डी जिसको कैंसर है उसको निकाल के उसका अंग बचा सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी तकनीकें अवेलेबल हैं। या तो हमें कई की बार क्या होता है कि जो हड्डी वाली कैंसर ग्रसित हड्डी है उसको निकाल के हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल देते हैं, या फिर वही हड्डी को हम साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं। इस जो साफ़ करने का तरीका होता है, या तो हम उसको एक ही सिटिंग में वेरी हाई डोज ऑफ रेडिएशन से उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, या फिर उसको लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से उसको इतने -192 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे के सारे सेल्स मर जाते हैं और वही साफ़ की हुई हड्डी वापस उसी बोन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आज की तकनीक में, आज के इस दौर में हम
मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में एम्पुटेशन अवॉइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड के वो सही टाइम पे और सही जगह पे इलाज कराने पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि सही समय पर और सही इलाज के लिए अगर मरीज पहुंच जाएं तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो सकती हैं और इलाज का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है सही सिम्टम्स की पहचान होना और सही इन्वेस्टिगेशन होना ताकि बीमारी की जड़ तक हम पहुंच सकें। तो डॉक्टर साहब, क्या वो ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अगर कोई महसूस करे तो डॉक्टर से मिलना है, और जब भी इनके साथ पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाँ पेशेंट को बोन कैंसर है और इसका ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए? पल्लवी जी, जब भी किसी पेशेंट को हम बोन कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी बोन कैंसर्स या फिर सेकेंडरी बोन कैंसर्स। जो प्राइमरी बोन कैंसर्स होते हैं वो अधिकतर बच्चों में या अडोलसेंट्स में होते हैं। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है किसी भी पेरेंट को जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को कैंसर है, कि अभी तो उसकी उम्र ही नहीं हुई है, अभी उसे कैसे कैंसर हो गया। बट प्राइमरी बोन कैंसर जनरली अडोलसेंट या चाइल्डहुड एज ग्रुप में होता है। उसमें पेशेंट को उस जगह में हड्डी में दर्द महसूस करता है बच्चा, लेकिन वो दर्द समय के साथ बढ़ता जाता है और साथ ही साथ उस जगह पे सूजन भी आ सकती है, और कई कई बार वो हड्डी कैंसर से इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो हल्के से झटके से भी टूट जाती है, जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। और जहाँ तक सेकेंडरी बोन कैंसर्स का सवाल है तो वो जनरली बुज़ुर्ग लोगों में पाया जाता है। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं कि मरीज़ के में हड्डियों में दर्द होगा जो कि समय के साथ बढ़ता जाएगा, और साथ में सूजिश भी आ सकती है, हड्डी जल्दी टूट भी सकती है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा, जो भी सूजिश या कोई भी दर्द जो अपने आप ठीक ना हो रहा हो उसको आप इग्नोर ना करें, एक डॉक्टर से उसकी सलाह लें। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस की बात है, तो जब भी हम किसी पेशेंट को सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कोई इस तरह का ट्यूमर हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हम उसका एक सिंपल एक्सरे एडवाइज़ करते हैं। उस एक्सरे में हमें अगर हड्डी में कोई अबनॉर्मेलिटी नज़र आती है तो फिर उसको फर्दर एक MRI टेस्ट कराया जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसका जो ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है। सो जब भी एक्सरे और MRI हो जाता है तो फिर हमें उसको टिश्यू डायग्नोसिस के लिए हमें उसकी बायोप्सी करनी होती है, ताकि हम ये जान पाएँ वो किस तरह का कैंसर है, क्योंकि हड्डी का कैंसर भी आगे चल के बहुत प्रकार का होता है। और जहाँ तक बायोप्सी की बात है, बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि बायोप्सी और FNAC एक चीज़ है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि बायोप्सी और FNAC बिल्कुल अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं, और हड्डी या हड्डी के आसपास सॉफ्ट टिश्यू के कैंसर्स में बायोप्सी का ही महत्व है, FNAC का कोई महत्व नहीं है। आज की डेट में हम बायोप्सी भी इस तरह की तकनीक आ गई है कि हम सुई से ही बायोप्सी कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई चीरा या टांका लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत बार मरीज़ को ऐसा लगता है कि वो नीडल बायोप्सी जो है वो FNAC जैसा ही है, क्योंकि दोनों ही सुई से हो रहा है, लेकिन इस तरह के कैंसर्स में हमें बायोप्सी करना चाहिए। और एक और ध्यान देने योग्य बात ये है कि बायोप्सी हमेशा एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट या उसी के किसी टीम मेंबर के द्वारा की जानी चाहिए। उसका सिंपल सा कारण यही है कि जब भी इस तरह के रसौली इस तरह के कैंसर्स आते हैं तो उसका हमें बाद में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बायोप्सी सही ढंग से और सही जगह से होनी चाहिए ताकि हमारे बाद के ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। आज लिव लाइफ मोर शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत गुप्ता, जो एक वेल नोन ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले हमें बताया कुछ सिम्टम्स के बारे में जो कि बोन कैंसर के हो सकते हैं और कैसे एक सही विशेषज्ञ द्वारा बायोप्सी करके उसका पता लगाया जा सकता है, डायग्नोस बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जब इन मोडालिटीज़ की सहायता से आप सर्टन कर लेते हैं कि हाँ मरीज को कैंसर है, किस तरह का कैंसर है और कहाँ पर कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या मोडालिटीज़ आजकल साइंस के पास उपलब्ध हैं?
पल्लवी जी, किसी को बोन कैंसर डायग्नोज होता है तो उसको पहले ही वो इमोशनली सेटबैक तो लगता है कि वाई मी, मुझे ही क्यों हुआ। पल्लवी जी, जब भी किसी मरीज को ये कंफर्म हो जाता है बायोप्सी से कि उसे कोई एक प्रकार का कैंसर है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इसको स्टेज करना है। हमें ये जानना है कि वो कैंसर ऑलरेडी फैल तो नहीं चुका है, तो उसके लिए एक पेट सिटी स्कैन नामक टेस्ट होता है, या फिर हम एक सिटी चेस्ट और एक बोन स्कैन कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो शरीर के अन्य हिस्सों में तो नहीं फैल गया। जनरली इस तरह के कैंसर या तो फेफड़ों में जाते हैं या फिर हड्डियों में जाते हैं, तो इस कारण हम ये टेस्ट करके उसको देखते हैं कहीं ऑलरेडी ये फैल तो नहीं गया है। और जहाँ तक इलाज की बात है तो वो किस तरह का कैंसर है उस पर निर्भर करता है। मेजॉरिटी काफ़ी कैंसर ऐसे हैं जिनमें हमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। कई कैंसर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ऑपरेशन ही करना पड़ता है, उसमें कीमोथेरेपी या रेडिएशन का कोई रोल नहीं है। और कई इस तरह के कैंसर्स भी हैं, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको अब मरीज को किस तरीके का कैंसर है, उस हिसाब से उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि वाई मी, मुझे ही क्यों बोन कैंसर हुआ। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बोन कैंसर हो सकता है, और कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे बोन कैंसर होने की संभावना बाकी लोगों से ज़्यादा रहती है? पल्लवी जी, आज की डेट में हमारे पास कोई भी ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एक पर्टिकुलर कारण से किसी को बोन कैंसर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं अगर किसी ने बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पिया तो उसको लंग कैंसर हो सकता है, किसी ने तंबाकू खाया तो उसको मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन हड्डी के कैंसर के बारे में ऐसा कोई भी डाइट्री या एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो कि इसको प्रीडिस्पोज करता है। इट्स प्योरली अ बैड लक ऑफ द पेशेंट कि उसको हुआ है। और हाँ, ये जरूर पाया गया कि अगर किसी मरीज को किसी कारण से रेडिएशन दी गई हो तो उन पेशेंट्स में हड्डी के कैंसर होने की संभावना आम आदमी के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, जब भी हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो जितनी जल्दी कैंसर पकड़ में आ जाता है, कहा जाता है कि उसका इलाज उतना ही बेहतर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या महत्व है टाइम का? बिकॉज कई बार लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हाँ, फलां व्यक्ति को परिवार में कैंसर है। बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया जाता है ये सोचने में और एब्जॉर्ब करने में। तो डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे मरीजों को रोज़ देखते हैं जो समय पर आते हैं, या कुछ मरीज समय पर नहीं भी आते, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? पल्लवी जी, जब भी किसी मरीज को कैंसर डायग्नोज होता है तो एक्चुअली वो एक तरह से वक्त के साथ लड़ाई कर रहा होता है। इट्स लाइक अ रेस अगेंस्ट टाइम। तो कैंसर तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो हमें उसको जल्दी से जल्दी रोकना है। बहुत बार क्या होता है कि मरीज इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसे कैंसर हो गया है। तो आपके माध्यम से मुझे यही बताना चाहूँगा कि किसी भी फॉल्स क्लेम्स के ऊपर ना जाएं, हमेशा अपने डॉक्टर की बात सुने और जो भी आपके विशेषज्ञ आपको बताते हैं आप उनकी सलाह लें और जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू कराएं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज हमें ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रजत गुप्ता ने दी है वो अवश्य ही जोड़ सकती है हमारी जिंदगियों में कई और वर्ष, और भर सकती है जिंदगी उन कई वर्षों में। डॉक्टर साहब, इस सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पल्लवी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में इतना ही। अगर आज के विषय पर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9930372264। जी हाँ, 9930372264। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। सो फ्रेंड्स, टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.